मैं पूछती हूँ निगुंडा नाम की स्पीशी होती क्या है। एचओडी से कहो मैं उसका इंटरव्यू करूंगी लेकिन सवाल अपनी मर्जी के करूंगी। गुंडा हमारी ना इंसाफी बुजदिली और करप्शन से पैदा होने वाले उस कीड़े का नाम जो हमारी हिम्मत और वकार को पैरालाइज कर देता है। इसी गुंडे के आड़ में छुपकर हमने अपने मुल्क के 74 साल जाया कर दिए और अब जब वो अपने पैदा करने वाले से अपना हिस्सा मांगता है तो आप चीख चीख कर कहते हैं कि वो गुंडा है। मरवाएगी दिलवर, कारोबार खत्म कराएगी अपना। Whatever, नहीं सर, डीसी साहब हुक्म की तामील करेंगे, तामील में आप उनकी मदद करेंगे, चैनल पे शो होगा, मुझे स्क्रिप्टेड लाइंस बोलनी पड़ेंगी, हाँ सबके आपसी तालुकात बढ़ जाएंगे लेकिन गुंडों का बाल बाका नहीं होगा। हम चैनल से तनख्वाह लेते हैं तो उन्हें सर्व करना पड़ेगा। मुल्क से कुछ नहीं लेते हम, चैनल से एक तनख्वाह लेते हैं उसके लिए दुगनी मेहनत करते हैं, मुल्क से पता नहीं क्या क्या लेते हैं, उसको कब सर्व करेंगे हम। बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर। ये एक नफ्सियाती मसला है, अगर आपने इस बेराह रवि के खिलाफ आवाज उठाई थी तो अपनी मंगेतर नीना को लेके उस माहौल से कहीं और चले जाते। कोशिश की थी लेकिन शरीफजादी बनना हर तवायफजादी के बस का रोग नहीं। पार हो गई, आज लकीर पार हो गई। बोलो अब बोलो। मुझे शराफत का हैजा हुआ है ना बुखार, तुम तो मुझे एक दफा दुल्हन बनाओगे, चंद रोज नाज नखरे उठाकर मुफ्त की रोटियां पकाओगे, बच्चों की लाएं लगाओगे, लेकिन यहाँ यहाँ मैं हर अदा पर पैसा कमाती, मैं तो मर कर भी यही रहना चाहूंगी। और मेरी मोहब्बत? बचपन की मोहब्बत हूँ तुम्हारी, लेकिन हौसला रखो, इस दिल पर तो सिर्फ तुम्हारी हुकूमत रहेगी, लेकिन धंधा ना खराब करो जी। साला ने आज अभी से महफिल करवा दी, कल को हमारी शादी के बाद अगर उसने तुमसे मीना मुजरा छुड़वाया तो क्या करूंगा मैं। खुद तो दुबले पतले हो लेकिन दिमाग काफी मोटा है तुम्हारा, अभी तोते की तरह पहाड़ा सुनाया लेकिन तुम्हारा दो दुनी चार ही है। नहीं नहीं, साथ दूंगी तुम्हारा लेकिन अगर तुम होश में रहे। खाना खा ले फिर कहोगे किसी ने पूछा नहीं बलल्ले मियां को। पीछे हट, पीछे हट, हट पीछे। इजहार अली खान नाम है मेरा, घोड़ा भाई। भीले क्यों पड़ गए, मैं तो तुम्हें प्यार से बलल्ला बुलाती हूँ ना। गिरियाओ तेरा गिरियाओ, तो क्या है पता है उनसे, मुझे क्या समझते, मैं नीनी के साथ बेवफाई नहीं रहूंगा। छोड़ मेरा साइको नफ्सियाती, छोड़ मुझे। चिट्ठियां काटूंगा तेरी, सबके बीच बोल खोलूंगा तेरा मैं। छोड़ मुझे, बोल काटूंगा तेरे में सिर्फ बोल जो ना तेरे की कहने के ना सब को मैं बोल खोलूंगा मैं। नीनी इधर आ, नीनी नीनी इधर आ, छोड़ छोड़ मेरा, नीनी इधर आ, छोड़ो इसे, छोड़ो। मैं क्या बोलूं, मैं इंच से कहा चाहती हूँ क्या, ये मुझे प्यार से बुलाती है। क्या कहा, क्या कहा तुमने इसे? बल्ले मिया, यही तो कहा था मैंने। आई मैं मर गई। नगवर जा। आंटी, ये भी तो तुम्हें बल्ले बुलाती है ना? मोड़ो मैं इसका भी बाजू। नहीं जाऊंगा तुझे मैं। पागल हो गई हो क्या? हो नहीं क्या? पदाइशी पागल है ये। कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। I'm perfectly fine. I'm okay. सुन लो सबके सब, अब जिसने मुझे बलल्ले खान कहा जो मेरी बात नहीं मानी, मैं उसे सोचा बरोस करके निकल जाऊंगा, मैं बात करूंगा उसे। नीनी डॉक्टर बुलाओ। मम्मी अब ऐसा भी क्या यार, छोकरे की खोपड़ी में सुराख है, भरना पड़ेगा। डॉक्टर तो आप आएगा,
और मैं बुलाऊंगी। चले मम्मी। ये तू ठीक नहीं कर रही। क्यों हाथ पाओ बांधे मेरे? छोड़ो मुझे। अरे हाथ पाओ क्यों बांध रहे हो मेरे? छोड़ो, छोड़ो। नहीं नहीं, बहुत दुख रहा है। बस बस, हल्की सी लग लगी है, ठीक हो जाएगा। जाओ जाके बैठो। नीनी, तुम्हारे इस बलल्ले मियाँ का क्या होगा? देखो तो सही। कुछ नहीं हुआ मुझे। हाथ पाओ मेरे। चुप करके इंजेक्शन लगवाओ, वरना भी पागलखाने में दिमाग गिरवा दूंगी। डॉक्टर, टीका लगाओ, तुरंत टीका लगाओ। नीनी, नीनी, ये देखने क्या हो रहा मेरे साथ? हाँ जी। तू भी इनके सामने लगा रही। डॉक्टर साहब कह रहे हैं तुम्हें डिप्रेशन के दौरे पड़ते हैं, जो कि खतरे वाली बात है। मुझे टीका सुनना क्या था? क्यों लगा रहा है वो टीका? बस बस, इस इंजेक्शन से सुकून मिलेगा, सोकर उठोगे तो बेहतर महसूस करोगे। मेरा गुस्सा इस गरीब पर निकाल कर तुमने अच्छा नहीं किया। बुरा तो अब करूंगा मैं। होश में आने दे मुझे। घर की बहू ने चाहनी, घर की बहू ने चाहनी, घर की बहू न जाने, घर के बाप न जाने, राजेश देखना। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मम्मी, दिस इज नॉट फेयर। मैं उस घर का वाहिद मर्द था, लेकिन घर के नौकरों की इज्जत भी मुझसे ज्यादा थी। इजहार साहब, जैसा कि आपने बताया, आपके घर का हर फर्द, यहां तक कि आपकी होने वाली बेगम भी प्रोफेशनल डांसर थी, तो फिर सिर्फ भाभी के नाचने पर एतराज क्यों? बहुत ज्यादा वक्त ले लिया आपने मेरा, काफी थक भी गया हूं मैं। मेरा ख्याल है ये सेशन और दिन करते हैं। अच्छा, बेबी ने अच्छा कह दिया। अब आप भी इजाजत दीजिए, लेकिन आताब, नवाजिश, शुक्रिया, चिलमन गिरा दिए हमने, अब और कुछ ना कहेंगे। हाँ साहब, प्लीज रोको ना इन्हें। जाने दो, दिल के नाजुक तार छट गए। बाकी आइंदा। ओके। कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूं, आप बहुत अरसे के बाद नजर आए हैं। छोटा आदमी कहाँ नजर आता है, उस्ताद बड़ा आदमी होता है। मैंने सुना है हम सबकी फाइनल असेसमेंट हो रही है, 11th क्लब से रुखसती का वक्त आ गया। मैंने तो गांव जाने से साफ इनकार कर दिया। क्यों? रिश्तेदार मुझे फिर लड़ाई झगड़े और बदले की आग में लपेट देंगे। इंतकाम कमजोर लोग लिया करते हैं, माफ कर देना बड़ी बात है पर एक मजबूत इंसान की निशानी। आप ठीक कहती हैं, मैं भी जब तक गांव में पढ़ाता रहा, लोगों की लड़ाइयां झगड़े, खानदानी दुश्मनियां खत्म करूं, मैंने बड़े लोगों की सुलह करवानी चाहिए, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी।
माशरे पे नफरत का साया हो गया है, मोहब्बत को आम करना पड़ेगा। आप ठीक कहती हैं। हाँ वो सुने आप घर वापस जा रही हैं। माँ बात याद आती है, उनकी आगोश बुलाती है। घर कब जाऊंगी वो जाने। खैर से जाएं। बाबर, मम्मी घर पर नहीं है, तुम उनसे फोन पे बात कर लो। मैं चची से नहीं तुमसे मिलने आया। मुझसे क्यों? क्योंकि चची के दिल में अभी भी अपने शौहर के लिए एक नरम गोशा है, और ये बात हम दोनों के लिए नुकसानदेह है। तो मैं चचा की तमाम कमजोरियां जानता हूं और उनकी ताकत भी। अगर उन्होंने दिल में ये ठान ली है कि उन्होंने अपनी सारी दौलत नूर के हवाले करनी है, तो इस जिंदगी में तो बहुत मुश्किल है कि हम उनसे अपना हिस्सा लें। मम्मी तैमूर को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, ये मुझे भी पता है। ये शायद हो सकता है, नहीं हो सकता है, इससे हमें क्या फायदा? मुझे और तुम्हें उस पैसे से दूर किया जा रहा है जिस पर सिवाय हमारे और किसी का हक नहीं। You're right. देखो रानिया, मेरी बात गौर से सुनो और समझो। चचा को पागलखाने से निकलकर लेवेंस क्लब गए हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ। अगर थोड़ी सी कोशिश की जाए तो एक नफसियाती मरीज को पागल करार देकर ग्राउंड किया जा सकता है, और हमें अपने फायदे के लिए ये करना चाहिए। कैसे? मैं बताता हूँ तुम्हें, जरा बैठ के बात करें। चलो। खान, साबिर और शाकिर वाला दौरा पड़ जाएगा इन दोनों मास्टरों को अगर तूने इनका कहना नहीं माना तो। आओ क्या ना, हमसे तुमको डर नहीं लगता है? तुम भी कोई डरने वाली चीज हो। और फिर लाला तुम दोनों के हाथ लग गया, क्यों उस बेचारे की मत मार रहे हो? इसका तो पहले ही दिमाग खराब है, कह रहा है डॉक्टर मारिया के खिलाफ मैडम शालम को दरखास्त दो, एहतजाज करो। खान, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजली। हम बड़ा तंग है जी उससे। तंग तुम हो और उसके खिलाफ इन्हें भड़का रहे। पराए कंधे पे बंदूक रख के चलाने वाला आदमी है ये। क्या बोले? लाला, तुम मुझसे अमन की बात सीख कर दोस्तों पे गोली चलाते हो। वो दिन के वक्त हम अपना टोपा खाली रखते हैं, त्रा निकाला जी वैसे मजाक किए। मजाक में भी किसी पे बंदूक ना ताना करो, ये चल जाए ना तो अपना पराया नहीं देखते। अमन से हाँ? वाह, अच्छा बात किए, बात में वजन है। वो क्या वजन है? गल तेनू एक समझ नहीं आती, बात में वजन है। बढ़िया फिरना तू सुकरात। ये सुकरात किसको बोलता है? तुम्हारी फूफी का लड़का, उसने शादी में नहीं बुलाया था ना तुम्हें? जाओ उसे फोन करो, पूछो उसके बच्चे कैसे हैं। हम मामू बन गए, हमको पता ही नहीं चला है। आयशा बशी द मटायानो हर चीज रो रहा उसको। जी जी, मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी है, नहीं तो फिर आप ही टाइम लेके बता देना, मैं अपनी बेटी नूर से मिलना चाह रही हूँ। ठीक है, मुझे आप फोन करवा दीजिएगा। शुक्रिया। बाजी, आप डॉक्टरों से एक बार बात तो करें ना। शमा, क्या बात करूं मैं डॉक्टर से? यही कि अब नूर बेटी को वो घर भेज दे। हाँ, तुम्हें पता है नूर माशाल्लाह से बेहतर हो गई है, लेकिन अभी इतनी नहीं। फिर भी डॉक्टर से पूछने में क्या हर्ज है? एक बात और कहूँ? कहो। नहीं नहीं, इधर बैठ के बात करो। नूर बेटी को ना अच्छे अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं अगर आप। अभी ये बातें कहने और सोचने का कोई फायदा नहीं है शमा। मेरी बेटी जिस बीमारी ROCD से गुजर रही है ना, अचानक ये रिश्ते और रवैयों में इंसान पे खुला जहर कब चढ़ जाए। लेकिन तुम ये दुआ करना कि नूर जल्द से जल्द ठीक हो जाए।
फिर ये रिश्ते और सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वैसे बाजी ये वो ऑनेस्टी क्या होता है? तुम नहीं समझोगी, नहीं समझोगी तुम। मत मार लिया तूने अपनी। तो कैसा दोस्त है यार? ज़हनी तौर पर इतना उलझा हुआ इंसान हूं, तुमने कभी बताया नहीं। मैं तो बचपन से बता रहा हूं, तूने कभी सुना ही नहीं। हुआ क्या है? किरण जी किसी भी तरह इतना पैसा कमाना चाहती हैं कि हमारी 7 नस्लों को काम ना करना। सात नस्लों को बिठा के रखना कैसी तरक्की आई होगी? तेरी ज़हनी हालत खराब है। मैं ठीक होने लगा तो तुझे खराब लगने लगा। तुमने कभी गौर नहीं किया हमारे इर्द गिर्द इस घर में इतनी नौसत का राज है? ऐसे से कोई बात नहीं उंदा। अब मुझे कोई शक नहीं, किरण जी तैफूर अंकल की दौलत हासिल करने के लिए हर रुपया इस्तेमाल करना चाहती हैं, जो मुझे बुरा लग रहा है। क्या करूं? मैं नफसियाती मरीजों के साथ रोज मिलाकर, बहुत जल्द तू भी 11th क्लब में होगा, उनका 12वां मेंबर बनकर। मैं तो मुस्तकबिल में किरण जी को भी वहीं देख रहा हूं। दौलत की इस कदर तलब इंसान को ज़हनी मरीज बना देती है यूकी। तू बैठ। हाँ नूर, आप मेरा पूछ रही थी, खैरियत है? तैमूर बाबा बहुत परेशान रहने लगे हैं। वहम की बीमारी ने उन्हें घुमा दिया। उनकी बीमारी स्किज़ोफ्रेनिया काफी कंट्रोल में है उनके अब, लेकिन वो इमोशनली बहुत वीक रहने लगे हैं। आपको मैंने इसलिए बुलाया कि आप प्लीज उनका ख्याल रखिएगा। समझिए। वैसे आपने उनकी बेटी होने का हक खूब अदा किया। मैंने उनकी बेटी होने की सिर्फ अदाकारी की है, रिश्ता निभाने का हक तो अब आया है। बस आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। जरूर। तुझे सुनकर मुझे डर लगता है। बचपन से मेरा दोस्त है योगी, समझा ही नहीं। अच्छा प्लेबॉय था तू, मेरी आवार की और सरकशी एंजॉय करता था तू। मना भी तो करता था सिर्फ जबान से, ताकि कोई मसला हो जाए तो तेरी स्टेटमेंट साथ नथी हो जाए। तुम हमेशा खुद को पॉलिटिकली करेक्ट रखते हो, कितने सियासी हो तुम योगी। तुम अब मुझ पे भी शक करने लगे? यकीन करना चाहता हूं अपनी बुराइयों का, शक करना छोड़ देना चाहता हूं। खुद को संभालो सलमान, संभालो। मुझे लगता है मैं घिर चुका हूं इसी खाई में, लत की गहराई में।
मुझे गिरने दे। कैसे दोस्त हो तुम? जब कभी मैं तेरी जिंदगी में ना रहा ना, तो पता चलेगा तुझे कि कैसा दोस्त था मैं। जा, अभी चला जा, छोड़ के जाने वाला दोस्त नहीं होता। जा। पर मैं वापस आऊंगा, क्योंकि इस वक्त तुझे मेरी सख्त जरूरत है। चलता हूं। जरूरत तो मुझे है। इसके हैं। ये वादा है तुमसे ना याद करेंगे भूल जाएंगे मगर रोएंगे बड़ा हम कि तुम बिन जीना भी होगा तो हम ये सीख जाएंगे मगर रोएंगे बड़ा हम मगर रोएंगे बड़ा हम कसम खा लेंगे हम तेरी कि तुमको माफ कर देंगे तेरी यादों की तस्वीरें जला कर राख कर देंगे अगर दिल फिर भी बात करे तेरी हम रूठ जाएंगे मगर रोएंगे बड़ा हम ये वादा है तुमसे ना याद करेंगे भूल जाएंगे मगर रोएंगे बड़ा हम मगर रो पड़ा। वैसे जब से ज़ारा अली खान ने अपनी कहानी सुनाना शुरू की है तुम लोग तो छुपी हो गए हो। किसी गैर के पेट से कपड़ा उड़ जाए तो इंसान को नजरें झुका लेना चाहिए। इसका तो यार है वो। दिल बड़ा बेकरार है जूरे। हमें क्या बता था कि बैंड मास्टर की जिंदगी इतनी मुश्किल थी। हम तो खामखा उसका मजाक उड़ाते रहे उसे साइको साइको कहते रहे। तो इसमें कौन सी नई बात है? जरा से मुख्तलिफ और सच के साथ इंसान खड़ा हो जाए तो उसे सूली पे चढ़ा दिया जाता है। बैंड मास्टर तो फिर भी अपने घर से सिर्फ फहाशी खत्म करना चाहता था। रिस्के हलाल कमाना मुश्किल है क्या? कुछ लोग समझते हैं कि दौरे हाजिर में हलाल रोजी कमाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो बरकत हलाल रोजी में मिलती है उसकी कुशादगी का क्या कहना। देखते हैं बैंड मास्टर आगे क्या क्या कहता है। चले चल। इस घर के लोगों में जितने भी इख्तलाफात पैदा हो जाएं, लेकिन जो कमियां अल्लाह ताला की तरफ से हैं, उस पे कभी कोई ताना नहीं देता। अगर तुमने ऑफिस के साथ यही रवैया रखना है तो मुझे बता दो। तबीयत ठीक नहीं तो काम कैसे करूंगा, ऑफिस कैसे जाऊंगा? मैंने तुम पर बहुत मेहनत की है सलमान, और ये जो तुम्हारा रवैया है ना, ये तो पहले से मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब जो तुम कर रहे हो ये सिर्फ तानिया और तैफूर का सिखाया हुआ है। आपसे बहस नहीं करना चाहता, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी का वो चैप्टर क्लोज करो जो जिसे आपने कई बार खोला और इस बार बंद कर देना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। तानिया बेकसूर है और उसका बाप नहीं नहीं आओ आओ, तुमसे क्या पड़ता, समझाओ अपने इस नासमझ दोस्त को, ये मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। मैं
मुझे इस वक्त नहीं आना चाहिए। वक्त तो गुजर गया, अच्छा भी बुरा भी। अब तो जिसका जी चाहे चला आए, चला जाए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम भाग चुके हो? किसके साथ? जिसके साथ वो तुम्हें भगाना चाहती है। तुम ना मेरी बहन का नाम लेती हो, ना उसका जिसके साथ। नाम में बात कुछ शक है। तुम मेरा नाम लो ना, नूर। तुम्हें सिर्फ नूर चाहिए। काश ये सब इतना ही आसान हो जाए जितनी आसानी से तुमने कह दिया। सलमान, तो मुझे कहा करते थे ना कि मेरे आने से पहले तुम खाली आते। हाँ, याद है। मैं ऐसा नहीं चाहती, लेकिन कोई है मेरे अंदर जो मुझे ये कह रहा है कि मैं खुद को तुमसे छीन लूं और एक बार फिर तुम्हें खाली हाथ कर दूं। नूर, तुम्हारा 11th क्लब आना, हमारे साथ रहना, जो वक्त तुमने हमारे साथ गुजारा मैं कभी नहीं भूलूंगा। बहुत कुछ सीखा तुमसे। मैंने भी। मैं क्या थी और क्या हो गई? अब इस बात का मतलब ही तो समझ आने लगा है डॉक्टर। तो वे समझ लो कि तुमने जो किया वो गलत नहीं था। मैंने जो गलत किया है उसको सही करना। All the best. Thank you. और तानिया का कोई कसूर नहीं, लेकिन इसी वजह से दो जिंदगियां बर्बाद हो गई। दो नहीं, तीन। तुम किरण जी को बाकी भूल जाते हो। नहीं, क्या हुआ? कोई जी है या मरे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कहा? कुछ नहीं, ये तैफूर अंकल के बारे में बात कर रहा। वो तो इसकी फेवरेट सुसर है, उनके खिलाफ कैसे बोला? बहुत खिलाफ है ये उनके अंदर से। देखो, तुम इसके अच्छे दोस्त हो, लेकिन इतने भी अच्छे ना बनो कि मुझे तुम पर भी शक होने लगे। हाथ जोड़ता हूं तेरे आगे, ठीक हो जा सलमान। दोस्त तानिया और किरण जी जैसी तीन मजबूत औरतें जिसकी जिंदगी में हो, वो ठीक कैसे रह सकता है यार? क्यों? मैं जवाब दूंगा भी तो तू नहीं समझेगा। क्या चीज है यार तू? 11th क्लब के सभी पासियों से बड़ा साइको। तो मुल्क छोड़ जाएगा। वजह? वजह एक नहीं, 1000 है खान। यहां का पैसा सस्ता हो गया। तो तुम महंगा कर दो। मैं कैसे महंगा कर दूं? चोरी छोड़कर बेमानी बंद करके मेहनत करो। यहां क्या फायदा? अमेरिका जाके मेहनत करूंगा, डॉलर कमाऊंगा खान, डॉलर। जो मेहनत तुमने पाकिस्तान छोड़ने में और अमेरिका जाकर करनी है, उससे आधी कोशिश में तुम अपने मुल्क में ही कामयाब हो जाओगे। इंसानी स्मगलरों ने ऐसे नौजवानों का मगज खराब कर दिए। मेरा बस चले ना, इन डेंकी लगवाने वालों को चौक में खड़ा करके गोली मार। इतने ना चला दी खान। बड़ा, तुम जब इतनी अच्छी बातें करता है तो बहुत क्यूट लगता है।
सुना तुमने, हम कवीट है। कवीट नहीं, क्यूट होता है खान। और मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? देखो, जब तुम दूसरे मुल्क में जाता है, अमेरिका जाता है, उधर जाके रह जाता है, फिर तुम उधर गैर कानूनी तरीके से कमाई करता है, क्या ये कमाई जायज है? पता नहीं। तो पता करो ना। तुम दूसरे मुल्क में जाता है, ग्रीन कार्ड के चक्कर में अमेरिका चला जाता है, उधर जाके उनकी औरत से शादी करता है, फिर उसको छोड़ देता है, ये अच्छा बात है? है तो नहीं। नहीं है ना, यही तो बोल रहे है ना यार, समझना, सादा ना बढ़ना। मतलब ये है कि जब तुम उधर जाके, हमारा लोग उधर जाके गैर कानूनी काम करता है, इलेवंस क्लब का मेंबर ऐसा नहीं कर सकता है, हमारा नाक ना कटवा देना, बंदे दा पुत्र बाण। हाँ समझ। हराम ये? इसमें इतनी हैरत की क्या बात है, साइन करो, तुम्हारा ही आइडिया था। हाँ लेकिन आज ही, मेरा मतलब है इतनी जल्दी ज़हनी तौर तैयार है। तुम उसे छोड़ो, अपने हिस्से का काम करो। क्या? अपनी अम्मी को मेरे बारे में कहा ही करो। दिमाग के डॉक्टर का अगर दिमाग खराब हो जाए तो इसे लड़की कौन दे? जबरदस्ती उठा लिया जाएगी, घर बता देना। तुबा ले आओ उसे। तुबा जी, शाकिर और साबिर को बुला। नूर बीबी को रवाना करने का तैयारी मुकम्मल हो चुका है। अगर मैं साबित कर दूं कि तुम रात को सोते हो और दिन को तारे देखते हो तो मेरा ही नाम गोली दरे का बना हुआ खालस। इसे प्रश्न करूं क्यों? जुबैदा के हाथों पहले ही मारा हुआ है ये सब। जुबैदा पे कोई इल्जाम लगाया ना तो जीना हराम कर दूंगा। इसका मामू के लड़की ने इसका जीना हराम किया था, इसको पागल बनाया, तुम भी वही करेगा। नूर बीबी जेरे गौर है, तुम किधर निकल जाते हो खान? तुम अफलातूनों के साथ रहता है, थोड़ा असर तो होगा ना। वे चलो, कोई काम की बात पूछे। किससे? नूर बीबी से। आओ कना दा टिक दा। बहुत अच्छी लग रही, पूरा पूरा 25 कैरेट है। नहीं पसंद नहीं आए तो बदली हो जाएगी, जूलर अपना आदमी है। सोना कौन पहनता है, वापस कर दो। क्या तोहफा मेरे मुंह पर मार रही हो? मुझे रिस्के हलाल चाहिए, ये सब नहीं। मजलूम से कभी टका नहीं मारा, हमेशा तगड़े की जेब झाड़ता हूँ। चोर को लूटना भी चोरी है, जालिम का पैसा मारोगे तो वो मजलूम से निकालेगा, ना किया करो ना। मैं जब तुम्हें गिफ्ट देता हूँ तो मुझे लेक्चर देती हूँ, तुम भी तो ये ना किया करो। रूखी सूखी खिला दो लेकिन हराम नहीं। कैसी बीवी हो? जैसी होनी चाहिए। जी बहराम, मैं कब से कॉल कर रही हूँ आपको लेकिन आप कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं दे रहे। सॉरी, मैं बिजी था इसलिए आपको कॉल नहीं कर सका, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए। जी सलमान की शादी हो चुकी है और नूर ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है, अब वो उसका पीछा नहीं करेगी। उसने इसी बात पे मुझसे कमिट किया है और इसी बात पे हम उसे घर भिजवा रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे तो सिर्फ इस बात का डर है कि इस कैफियत में नूर फिर से सलमान का पीछा ना शुरू कर दे। ऐसा नहीं होगा। अच्छा कि आपने मुझे बता दिया, प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि नूर को बिल्कुल इरिटेट ना किया जाए। मैं और डॉक्टर परी उसके साथ मुसलसल इन टच रहेंगे। ठीक है बहराम, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एज़ वेल। खुदा हाफिज़। तुम एक कामयाब कॉमेडियन भी बन सकते हो। कैसे डॉक्टर, मरीज को दिलासा नहीं दे सकते? ये मरीज दिलासा नहीं डॉक्टर मांगते हैं, जो जरा मुश्किल। तो मैं
यार बस करो यार, मुझे भी तुम लोगों ने परेशान कर दिया है। तुम्हारे गम में हम बराबर का शरीक है। हम पागल थोड़े हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे? एक बात बताएं डॉक्टर मारिया, अगर मैं घर गया और मारा गया तो कौन जिम्मेदार? हिम्मा अपना अपना बेटे। क्यों लोगों को गलत पटियां पढ़ा रहे हो, मिसगाइड कर रहे हो? कल से पटियां पढ़ा रहे हैं सबको और लोगों को घर जाने से मना कर रहा है। डॉक्टर बहराम को फॉलो कर रहे हैं? डॉक्टर बहराम वो कौन है? इस तरह की अदाकारी करके खुद को एबनॉर्मल साबित नहीं कर सकते तुम। और अगर मैं ये साबित कर दूं कि मैं पागल हूं तो? पागल खाने भेज दिए जाओगे? बस इधर आके बंदा रह जाता है, यहाँ कोई नहीं रहेगा। आप लोग क्यों नहीं अंडरस्टैंड करते कि दुनिया में आपके अलावा और भी हसास लोग हैं, उनको भी इलेवंस क्लब आने का मौका देना। एक बात याद रखे, हमें यहाँ से कोई निकाल नहीं सकता। मैडम हम एक बात बोले। जी बिल्कुल बोले, जोश खिताबत में आप क्यों पीछे रहेंगे? इनको दो नहीं तीन ऑप्शन दो, जिधर जाना चाहे भेज दो। कैसे ऑप्शंस? क्लोज वार्ड जाना है, पागल खाने या घर? वेल आप तो बहुत अकलमंद निकले। पागल खाने का मुआफ़ पागल हो सकते हैं। चलो भाई तुम लोग सोच लो, क्योंकि लाला ने तो बहुत अच्छी ऑप्शन दे दिया। आयान प्लीज। शमा जी। बांजी ये क्या किया हुआ, ये कैसे सफाई की है तुमने? हाँ इतनी डस्ट, इतनी डस्ट। तुम्हें पता है ये मेरे मरूम शोहर की कलेक्शन है, इसका खास ख्याल रखना है। चलो डस्टर लेकर आओ, इसको सफाई करो। ये देखो, ये देखो। शमा क्योंकि मैं ग्रीन हूं।